आज मैं आपको सरसों का साग बनाना सिखाने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है, सरसों का साग सिर्फ ठंडी के सीज़न में मिलता है और पंजाबियों का जो लोहड़ी का फेस्टिवल होता है उस टाइम पे स्पेशली बनाया जाता है और 2 दिन तक इसको खा सकते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 सरसों, ये सरसों है, और 2 बथुआ और 1 पालक। अभी हम इसको साफ़ कर लेंगे सबको। इस तरह आपको पत्ते तोड़ लेने हैं एक एक करके फटाफट। और ये फेंक देना है। ऐसे ही आपको पूरे सब्जी अच्छी तरह तोड़ लेनी है। अभी आप देखिए, ये पूरी मैंने सब साग और बथुआ और पालक तोड़ ली है। अभी हम इसको वॉश करेंगे। कम से कम 2 से 3 बार आपको वॉश करना है। इसको अच्छे से वॉश करना होता है। अगर कुछ मिट्टी लगी होती है तो वो निकल जाएगी। ऐसे करके आपको इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेना है। आप देख सकते हो पानी देखो कितना मैला हो जाता है। ऐसे ही करके आपको 2-3 बार इसको अच्छे से धो लेना है। अब ये सरसों और पालक वॉश हो गई है। आप इसको रफली चॉप करेंगे। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कुकर में बॉईल भी कर सकते हो, नहीं तो रफली चॉप करके बॉईल करना है। अब हम इसको चॉप करेंगे। ऐसे आपको लेना है, फिर ऐसे बीच में से कट करके इसे ऐसे लगा लेना है साइड में, और ऐसे करके रफली चॉप कर लेनी है। इसी तरह सारी सरसों काट लीजिए। अब देखिए हमने अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करते टाइम आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, टमाटो प्यूरी ऑप्शनल है, और मिर्ची भी काट कर डाल सकते हो, और इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करना है ताकि लगे नहीं। 1/2 ग्लास पानी ऐड करके अब इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे और कम से कम 10 से 12 सीटी लगाएंगे। जब तक बॉईल हो रहा है साग हमारा, हम ये तड़का काट लेंगे। उसके लिए आपको लेना है अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज। मिर्ची, अदरक और लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है तो साग अच्छा करारा बनता है। अब हम ये तड़के को कट कर लेंगे। प्याज ऐसे करके आप कट कर लीजिए बारीक बारीक। और सिर्फ मैं बता देती हूँ, लहसुन को आप कट भी कर सकते हो और ऐसे ग्रेट भी कर सकते हो। ऐसे इसको ये ग्रेट भी कर सकते हैं तो और बारीक हो जाते हैं,
तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों को खाने में प्रॉब्लम नहीं आता है। इसी तरह आप अदरक को भी ग्रेट कर सकते हो, ऐसे लेके अदरक भी ग्रेट कर लीजिए सारा, और मिर्ची को बारीक बारीक काट लीजिए। अभी आप देखिए हमारा साग बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप मक्की का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ऐसे, और फिर ये घोटना है, इससे हम उसे ऐसे करके घोट लेंगे। आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स ऐड डालना है और मिक्स करते जाना है इसे ऐसे। तो आपको दिखेगा कि कंसिस्टेंसी उसकी ठीक होते जाएगी एंड जो साग है वो भी मैश होते जाएगा। सो दिस इज हाफ कप मक्की का आटा, और मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। देख सकते हो मैश हो गया अच्छे से, और कंसिस्टेंसी देखो इसकी साग की ऐसी होनी चाहिए। अब ये आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप मक्की के आटे के जगह पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। अब हम घी लेंगे, देसी घी का तड़का लगाएंगे एक पैन में। जीरा लेंगे, जीरा इसके बाद ऐड करिए अदरक लहसुन मिर्ची भूलिए, और प्याज ऐड कर। अब तड़के को अच्छे से लाइट ब्राउन होने दीजिए। आप देखिए तड़का अच्छा डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए, और फिर इसे हम साग में ऐड करेंगे। अब देखिए हमारा तड़का हो चुका है, अब हम इसमें साग ऐड करेंगे थोड़ा सा ऐसे, और तड़के को लेकर अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कुक करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, और अब डालेंगे सॉल्ट, पर टेस्ट आप सॉल्ट डाल सकते हो। ऐड सॉल्ट करके आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर दीजिए, और अब ये कुक होगा कम से कम 10 से 15 मिनट, और फिर आप इसे मक्की की रोटी और या गेहूं की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मक्की की रोटी भी मैं बताऊंगी कैसे बनानी है,
उसके लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।